मथुरा में कैंट बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी लोग। पुष्पांजलि उपवन कॉलोनी के बाशिंदे मथुरा में जयकारे गुरुदेव मंदिर के समीप स्थित यह कॉलोनी पीपी बिल्डर्स द्वारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण से अप्रूव करा के बीबी अग्रवाल ने बसाई थी। कॉलोनी के निवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी में आज तक बिजली की सुचारू व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई है, न ही बिजली विभाग से नियमानुसार कनेक्शन लिया है, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं मिल रही है। घंटों तक बिजली गायब रहती है, बिल नहीं आ रहे हैं और वोल्टेज भी बेहद कम आती है, जिसके चलते तमाम घरों के उपकरण भी फूक चुके हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पूर्व में भी उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी और 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम भी दिया था कि व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो 16 जुलाई से बिजली घर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। अपने उसी अल्टीमेटम लेकर उन्होंने आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और जब तक उनकी विद्युत आपूर्ति नहीं सुधारी जाएगी तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बिजली घर पर धरना इसलिए दे रहे हैं कि जो है ये जो है बिल्ड पीपी बिल्ड कौन ने जो है कॉलोनी काटी है पुष्पांजलि उपवन, उसमें अभी जो है कोई भी बिजली का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है और आए दिन उसमें फाल्ट होते रहते हैं। हालांकि कुछ कनेक्शन सरकारी भी हो चुके हैं पर सरकार कह रही है कि उसकी है बीडी अग्रवाल की कॉलोनी है, इसीलिए हम अभी इसको नहीं पूरा उसमें कर सकते हैं। और बाहर कोई अंदर कोई आदमी जाता नहीं है, बिजली विभाग का सारा पूरा वो मतलब जो है बिल वगैरह सारा ले रहे हैं। ये पुष्पांजलि उपवन कॉलोनी मथुरा MBDA से स्वीकृत एक गेट वन कॉलोनी है जिसका विकासकर्ता पीपी बिल्डकॉन BD अग्रवाल आगरा मथुरा है। ठीक है, वर्तमान में कॉलोनी के अधिकतर निवासियों ने सरकारी कनेक्शन ले लिए हैं लेकिन कॉलोनी का जो विद्युत ढांचा है वो बहुत जर्जर स्थिति में है। इसके कारण कॉलोनी में कम वोल्टेज की समस्या रहती है, फ्लक्चुएशन रहता है, आए दिन बिजली के तार और केबलें जल करके गिर जाते हैं जिससे जन हानि की भी संभावना रहती है। पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती है, फेस उड़ जाने से 12 से 15 घंटे तक कॉलोनी की विद्युत व्यवस्था को सही नहीं कराया जाता है। इस कारण से सभी कॉलोनी वासी बहुत परेशान हैं, जिसकी शिकायत विभाग से बिल्डर से और प्रशासन को भी कई बार कर चुके हैं लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ऐसी साहब को हम लोगों ने 11 जुलाई को कॉलोनी का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उन्होंने कॉलोनी की विद्युत समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि हमें विद्युत समस्याओं का निराकरण करिए और यदि 15 जुलाई तक इस हमारी समस्याओं पर निराकरण हेतु आपने कोई कार्य नहीं किया तो हम 16 तारीख को आपके कार्यालय के समक्ष सभी कॉलोनी वासी एक दिवसीय धरना देंगे। तो अभी कॉलोनी की विद्युत समस्याओं को लेकर के कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इसीलिए सभी कॉलोनी वासी हमारी मांगे ये हैं कि कॉलोनी का विद्युत ढांचा सही करके सरकारी हैंडओवर हो विद्युत विभाग को और हमारी कॉलोनी की विद्युत व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण ठीक हो जाए, सरकारी कनेक्शन हो जाए हमारे सब।